नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। और आइए, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक बहुत ही ज़रूरी नॉलेज। और वो नॉलेज क्या है? डेटा टाइप्स की। तो आइए आज का विषय जो है आपका, वो है डेटा टाइप्स इन पाइथन। सबसे पहला प्रश्न कि ये डेटा टाइप्स होते क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आपको मित्रों, यदि आपको इफेक्टिव प्रोग्रामर बनना है, यदि आपको किसी भी लैंग्वेज में, मैं पाइथन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो आपको सर्वप्रथम ये जानना ही पड़ेगा कि वो लैंग्वेज कितने प्रकार के डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। तो अगर मैं कहूँ कि डेटा टाइप्स को डिफाइन कैसे किया जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि डेटा टाइप It is the type of information or data that any language can supports। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा भाई कि डेटा टाइप्स क्या है। तो भाई डेटा टाइप्स वो जानकारी या वो डेटा है या डेटा का वो प्रकार है जिसको कोई भाषा सपोर्ट करती है, उस जानकारी को ही हम कहते हैं कि वो डेटा टाइप है। और मैं आपको बता दूं, किसी लैंग्वेज में जैसे कि पाइथन में आप उन्हीं जानकारियों के ऊपर, उन्हीं इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। जो डेटा टाइप्स पाइथन सपोर्ट करता है, आप उससे ज़्यादा किसी अतिरिक्त प्रकार की जानकारी को पाइथन में बच्चों यूज़, उपयोग या प्रयोग नहीं कर सकते। तो आइए अब सीधे मैं स्टार्ट करूं कितने प्रकार के डेटा टाइप्स तुम्हारे पाइथन में होते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए डेटा टाइप्स की नॉलेज। पाइथन डेटा टाइप्स, तो देखिएगा पाइथन में जो मेजर है वो दो प्रकार के डेटा टाइप है। एक तुम्हारे स्टैंडर्ड डेटा टाइप, और दूसरा जो तुम्हारा है जिसको कि मैं कहता हूं सीक्वेंस। मेनली मैं इन्हीं दो डेटा टाइप्स की बात कर रहा हूं, पहला आपका स्टैंडर्ड और दूसरा तुम्हारा सीक्वेंस डेटा टाइप। तो सबसे पहले आइए पाइथन के स्टैंडर्ड डेटा टाइप का जिक्र करता हूं मैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स। तो स्टैंडर्ड डेटा टाइप में अगर मैं क्लासिफाई करूं, तो सबसे पहले आएगा तुम्हारा नंबर, फिर तुम्हारा आएगा बच्चों स्ट्रिंग, और इसके बाद मैं लूंगा बूलियन। तीन मेजर डेटा टाइप हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं स्टैंडर्ड में। कौन कौन से? नंबर, स्ट्रिंग, और तीसरा कौन सा है बच्चों? बूलियन डेटा टाइप। तो आइए स्टार्ट करता हूं मैं नंबर डेटा टाइप से। चलिए सब लोग समझिएगा, नंबर में आप जब आएंगे पाइथन में,
तो आपको बच्चों देखिए तीन प्रकार के नंबर में फिर तीन क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से, आईएनटी यानी इंटीजर, दूसरा है तुम्हारा फ्लोट, और तीसरा आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स। ये इंटीजर क्या है, ये इंटीजर वो डेटा टाइप है जहां पर आपको सिर्फ पूर्ण अंकों पर कार्य करना है, जहां पर दशमलव अलाउड नहीं होता। यानी इंटीजर डेटा टाइप ऐसा डेटा टाइप है जिस पर संपूर्ण होल नंबर पे वर्क करना है, यहां दशमलव तुम्हें अलाउड नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं पाइथन में जो इंटीजर डेटा टाइप है वो भी तीन प्रकार का है, एक तुम्हारा डेसिमल इंटीजर, दूसरा तुम्हारा ऑक्टल इंटीजर, और तीसरा तुम्हारा हेक्साडेसिमल इंटीजर। तो आइए इसी को आगे बढ़ाते हैं। मैं कह रहा हूं कि इंटीजर में तीन है, कौन सा, सबसे पहला डेसिमल। ये डेसिमल इंटीजर क्या होगा, तो जो डेसिमल इंटीजर होगा उसमें जो संख्याएं आप बनाएंगे वो कॉम्बिनेशन होंगी 0 to 9 डिजिट्स का। उसका बेस कितना होगा, आपका 10 होगा, कोई भी वो नंबर। और मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो यूज किया जाएगा, सबसे ज्यादा जिसका उपयोग किया जाएगा वो यही डेसिमल इंटीजर है। ये वही डेसिमल इंटीजर है जिसका मैक्सिमम यूज या यूटिलाइजेशन होगा। तो यहां पर डेसिमल इंटीजर की खासियत क्या होगी, 0 to 9 डिजिट होंगी, बेस इसका 10 होगा, और एग्जांपल्स कोई भी वो नंबर जिसको आप यूज करते हैं, 163 391 1415, ये जितने भी नंबर जो 0 to 9 के कॉम्बिनेशन से बनेंगे पाइथन में, उनको पाइथन डिनोट करेगा, उनको पाइथन कहेगा ये डेसिमल इंटीजर है। और एक चीज आप जान लीजिए बच्चों, ये जो डेसिमल इंटीजर आप बना रहे हो इसकी जो रेंज है वो कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड रेंज होती है। पाइथन दुनिया की शायद इकलौती ऐसी लैंग्वेज है जहां रेंज का चक्कर समाप्त हो गया, जबकि इसके अलावा तुम्हारी सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में हर डेटा टाइप का एक पर्टिकुलर रेंज डिफाइंड था। पाइथन में वो कहता है कि जितनी तुम्हारी, जितनी बड़ी मेमोरी आप यूज कर रहे हो, मेमोरी, यहाँ किस मेमोरी की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी मेमोरी यानी आपकी रैम की। तो जितनी बड़ी मेमोरी आप यूज करेंगे उतना बड़ा नंबर आप मेमोरी पर स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा डेसिमल इंटीजर। इसके बाद मैं बात करूंगा किसका, ऑक्टल इंटीजर के बारे में। थोड़ा सा आइए इसके बारे में भी देख लीजिए बच्चों, ऑक्टल इंटीजर क्या होगा, जिसमें जितनी भी डिजिट्स हैं, जिसमें ऑल नंबर्स, तुम्हारे ऑक्टल में जितने भी बच्चों नंबर हैं वो कॉम्बिनेशन होंगे 0 to 7। 0 to 7 अर्थात उसका बेस क्या होगा, बेस तुम्हारा 8 होगा। उसका बेस क्या होगा, 8 होगा। और तुम ऑक्टल नंबर को बच्चों रिप्रेजेंट कैसे करते हो, तो ऑक्टल नंबर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है यानी ऑक्टल इंटीजर लिखना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे 0, उसके बाद फॉलोड बाय 0 के बाद ओ, फिर आपका नंबर, नंबर 0 to 7 के कॉम्बिनेशन से यानी 61 सपोज। ये पाइथन में एग्जांपल हो गया किसका, यहाँ 61 अलाउड है क्योंकि 0 to 7 के अंदर है। और लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले 0 लिखा जाएगा, ये तुम्हारा अल्फाबेट का ओ है, ओ फॉर आउल वाला, और ये आपका नंबर हो गया। इसी तरह से कोई और नंबर आपको मैं बता रहा हूं, 0 to 57 अलाउड है, 0 to 7 के बीच है। ये भी एग्जांपल होगा किसका, ऑक्टल इंटीजर का एग्जांपल होगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि ऑक्टल इंटीजर और डेसिमल इंटीजर क्या होते हैं, कैसे हम उनका निर्माण करते हैं और कैसे हम उनका उपयोग करते हैं।
इसके बाद तुम्हारा अगला जो है वो है हेक्साडेसिमल। वो कौन सा है? हेक्साडेसिमल इंटीजर। इस हेक्साडेसिमल इंटीजर को क्या कहेंगे आप? आपको मालूम होगा जो हेक्सा नंबर्स होते हैं बच्चों, वो तुम्हारे कॉम्बिनेशन होते हैं। किसका? वो तुम्हारे कॉम्बिनेशन होते हैं आपके 0 to 9 और A to F का। अर्थात इसमें जो भी नंबर है वो 0 to 15, अर्थात उनका बेस क्या होता है? बेस इज इक्वल टू 16 होता है। याद कर लीजिए इस चीज को। उसका बेस क्या होगा बच्चों? 16 होता है, जिसमें 0 to 9 तो डिजिट होती हैं और 10 को देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये तो डिजिट है। इसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 और 15 को हम अल्फाबेट से ए बी सी डी ई और एफ से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। और हेक्साडेसिमल इंटीजर को पाइथन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आइए एग्जांपल दिखाता हूं। हेक्साडेसिमल का एग्जांपल आप फिर वही तरीका लिखेंगे, जीरो यहां ओ नहीं होगा, यहां यक्स लिखेंगे, जीरो और यक्स, और यक्स के बाद इस रेंज का कोई भी नंबर आप ले लीजिए, C9। ये भी एक एग्जांपल हो गया किसका? हेक्साडेसिमल इंटीजर का। 0, X, AF ये भी तुम्हारा एग्जांपल हो गया किसका? ये ऑब्जेक्टिव में बहुत सारी जगहों पर, और आपको जानकारी होनी चाहिए। पूछेगा कहां, मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको आइडिया रखिए। तो उम्मीद करता हूं आपको पाइथन के डेटा टाइप्स समझ में आ रहे होंगे, जिसमें मैंने आपको न्यूमरिक नंबर्स के बारे में डिटेल नॉलेज दी कि न्यूमरिक इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर, हेक्साडेसिमल इंटीजर, ये 3 प्रमुख इंटीजर्स आपके होते हैं। इसके बाद आपका जो अगला, इसके बाद बच्चों जो आपका अगला जिसकी मैं बात कर रहा था वो नंबर कौन सा है? फ्लोट। फ्लोट या इसको क्या बोलते हैं? रियल भी कुछ लोग बोलते हैं। इसको फ्लोट क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये इनकम्प्लीट नंबर होता है। फ्लोट का मतलब होता है बच्चों तैर रहा है। तैरने का मतलब क्या है? ये किनारे लगना चाहता है। यानी अगर मैं लिख दूं 6.9 एक कैसा नंबर है? फ्लोटेड नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो 6.9 ये बनना क्या चाह रहा है? ये 0.9 का मतलब ये बढ़ रहा है किस ओर? 7 की ओर। लेकिन अभी ये पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं। और याद रखिएगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी जैसे आपके इंटीजर नंबर है वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, और इनकी भी कोई रेंज नहीं होती। रेंज इज नॉट डिफाइंड, इनकी कोई रेंज नहीं होती बच्चों। और याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा कि इनका इनका रेंज तो डिफाइन नहीं है, और ये आधारित होता है किस पर? रैम पर, यानी मेमोरी पर। जितनी बड़ी तुम रैम लगाओगे उतना बड़ा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज कर सकते हो। और तीसरा तीसरा नंबर आपका न्यूमरिक जो मैंने बोला वो कौन सा है तुम्हारा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या है? ये एक ऐसा डेटा टाइप है जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस में, साइंटिफिक उपयोग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। लॉन्ग लॉन्ग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप से यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स के 2 पार्ट होते हैं, एक इसका रियल और एक इसका इमेजिनरी पार्ट। एक रियल, एक मान लीजिए मैंने लिखा x बराबर 3 + 1j, यहां तो गौर से देखिएगा, x बराबर 3 + 1j, तो यहां क्या होगा? यहां पर 3 कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट है इसका, x का। और यहां 1j में 1 क्या है?
इमेजिनरी पार्ट है। आप इसको प्रिंट करा सकते हैं, आप लिख सकते हैं प्रिंट, पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट है, यक्स डॉट रियल कॉमा यक्स डॉट इमेजिनरी। आपका इसका आंसर आएगा 3.0 और इसका आंसर देगा बच्चों 1.0। ये देख लीजिए, ये है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको पाइथन के बेसिक डेटा टाइप्स की आइडिया लग गया होगा। इसके अलावा एक और बेसिक डेटा टाइप है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, बूलियन, बूलियन डेटा टाइप। इट इज स्पेशल काइंड ऑफ डेटा टाइप, ये एक विशेष प्रकार का बच्चों डेटा टाइप है, दैट ओनली कंटेन्स टू वैल्यूज। ध्यान से समझिएगा, बूलियन एक विशेष प्रकार का बच्चों डेटा टाइप है जिसकी दो ही मान हो सकते हैं। क्या क्या? अगर आप बूलियन डेटा टाइप की बात करेंगे तो बूलियन की दो ही वैल्यूज हो सकती है बच्चों, या तो वो क्या होगा, या तो वो ट्रू होगा, या तो वो क्या होगा, या तो वो फॉल्स होगा। इनके अलावा कोई वैल्यू पाइथन में अलाउड नहीं है बूलियन डेटा टाइप में। और यहां मैं एक चीज और बता दूं टेक्निकल, ट्रू का टी तुम्हारा कैपिटल होगा, फॉल्स का एफ तुम्हारा कैपिटल होगा। अगर तुमने फॉल्स को ऐसे डिनोट कर दिया तो पाइथन इसको बूलियन नहीं मानेगा, ट्रू को तुमने स्मॉल से डिनोट कर दिया तो पाइथन इसको बूलियन बिल्कुल नहीं मानेगा। तो देखिए, ये आपको मैंने जनरल या बेसिक डेटा टाइप के बारे में समझाने या बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। रही बात इस अदर डेटा टाइप्स की, जिनको मैंने सीक्वेंस डेटा टाइप कहा, तो सीक्वेंस डेटा टाइप, ये देखिए जो सीक्वेंस की मैंने बात की, ये आप देख रहे हैं ना सीक्वेंस डेटा टाइप, जिसमें कि आपका स्ट्रिंग, जिसमें कि आपका लिस्ट, जिसमें कि आपका टपल्स, ये तीन मेजर सीक्वेंस डेटा टाइप के एग्जांपल्स हैं। इनके बारे में भी आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी, लेकिन हमारे आगामी वीडियोस में हम आपको देंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं मित्रों कि अगर आपको ये वीडियोस इंफॉर्मेशनल लगे, आपको इनसे लगे कि कुछ फायदा मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ऐप को, जो कि यूनिक ग्रुप ऐप है, उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और कंप्लीट कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप कॉल करके पता लगा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इंजॉय किए होंगे और निश्चित तौर पे कुछ नॉलेज आपकी बली होगी। आपसे मैं अब विदा लेता हूँ, तो गुड बाय, नमस्कार, बाय बाय।